Hello students, and again welcome in Science Cosmos. So today we are going to discuss about a new topic, environmentally controlled sac determining mechanism. तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी mechanism होते हैं जिसके अंदर हमारा जो sex है वो determine होता है by the help of environmentally factors. तो आज हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो क्रोमोसोम्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर. जैसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ ले रहे हैं वो है ओफ्रियोट्रोचा. तो जो ओफ्रियोट्रोचा है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक मैराइन एनलीड है. इसके अंदर एनालिट्स प्रॉपर्टी होती हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक खास बात है कि इसमें जब ये यंग स्टेज में होता है, आपको ध्यान रखना है जब ये यंग स्टेज में होता है तो उस दौरान इसकी बॉडी स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है. मीन्स इसकी बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगी. इसी तरीके से जब वही स्टेज आगे जैसे जैसे यंग स्टेज पास आउट होकर एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडल्ट पार्ट है डेट मीन्स ओल्डर पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फीमेल. तो आपको ध्यान रखना है जब वो फीमेल में कन्वर्ट होगा तो देन वो एग प्रोड्यूस करेगा. तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जब यंग स्टेज होती है तो उस दौरान इसकी जो बॉडी होती है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, और जब ओल्डर स्टेज में जाती है तो उस दौरान ये फीमेल बॉडी की तरह एक्ट करता है. डेट्स मीन्स अब देन ये एग प्रोड्यूस करेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि फिर ये वापस मीन्स क्या मेल बन सकता है या नहीं. इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ओल्डर पार्ट होता है वो जब इससे एम्प्यूटेटेड होगा, मीन्स कहने का ये कि फीमेल पार्ट जब उससे अलग हो जाता है तो अलग होने पे वो वापस एक न्यू इंडिविजुअल मीन्स यंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना है जो फीमेल पार्ट है जो उसका ओल्डर पार्ट है जब वो उससे एम्प्यूटेटेड होगा मीन्स उससे अलग होगा तो देन वो एक्ट करेगा एज अ वर्म, और रिवर्ट्स होने के बाद मीन्स वो कन्वर्ट हो जाता है अगेन किस में, मेल फॉर्म में, जिससे वो फिर स्पर्म प्रोड्यूस करेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर साइज़ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रेदर देन एज. अंडरस्टैंड, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है सॉरी साइज़ जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो उस दौरान जो सेक्स है वो इंडिविजुअल का डिटरमाइन होगा. जैसे मैंने बताया यंग स्टेज में वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ओल्डर स्टेज में वो एग प्रोड्यूस करता है, मीन्स फीमेल बॉडी की तरफ वर्क करता है. अंडरस्टैंड? तो आपके स्क्रीन पर जो इमेज है उसमें आप ओफ्रियोट्रोचा को देख सकते हैं. ये एक एनलीड है, जैसा मैंने आपको बताया इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एनलीड्स के अंदर होती हैं. अंडरस्टैंड? गुड. नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे डिनोफिलस की. आपको ध्यान रखना है डिनोफिलस एक अनदर ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअल में एक मैरिड आर्किड एनिलीड है. तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्के एनिलीड होते हैं इनकी भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ जो है एनिलीड की जैसी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो डिपेंड करता है कि जो एग का साइज़ है जो फीमेल प्रोड्यूस कर रही है. तो आपको ध्यान रखना है मीन्स यहाँ पर एग के साइज़ के भी यहाँ पर डिटरमाइन होगा कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. तो आपको ध्यान रखना है जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो स्मॉल एग्स प्रोड्यूस कर रहा है डिनोफिलस ऑर्गेनिज्म तो देन वो मेल इंडिविजुअल होगा. अगर जो कोई भी इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग स्मॉल एग से प्रोड्यूस होता है तो वो किस क्या होगा, मेल होगा. इसी तरीके और जब एग का साइज 27 टाइम्स ग्रेटर या लार्जर होता है स्मॉल एग के तो उस दौरान वो फीमेल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है. तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एग का साइज़ है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि जो इंडिविजुअल है या ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा.
तो हमारा जो थर्ड ऑर्गेनिज्म है वो है क्रेपिड्यूला। तो आपको ध्यान रखना है क्रेपिड्यूला वो ऑर्गेनिज्म है जो एक मोलस्क का फाइलम के अंदर आता है, और इसकी एक खास बात यह है कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सी। तो जो सी हैं उन्होंने बताया कि इसका जो जायगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जायगोट के अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट है, मीन्स दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट है। उन जीन्स की खास बात यह है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रिपिड्यूला के केस में जो यंग स्टेज होती है क्रिपिड्यूला की, उस यंग स्टेज के दौरान जो जीन्स होते हैं जो फंक्शनल हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और एज ए रिजल्ट वो स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं और ओवा का प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ क्रिपिड्यूला जब वो यंग स्टेज में होता है तो उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिंथेसाइज करने के लिए फंक्शनल होते हैं, इसलिए वहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ओवा की फॉर्मेशन नहीं होती। अंडरस्टैंड? अब आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे वो एडल्ट स्टेज में जाएगा, मींस मैच्योर होगा, तो उस दौरान उसमें एक ट्रांजिशनल फेज होता है जिसकी वजह से अब जो फंक्शनल जीन थे जो उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिंथेसाइज कर रहे थे अब वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और देन एडल्ट फेज में अब वो जीन एक्टिवेट होंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिंथेसाइज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मैच्योर स्टेज फंक्शनल जीन कौन से होंगे जो फीमेल बॉडी को सिंथेसाइज करेंगे, एज ए रिजल्ट जो इसकी होल लाइफ है जो रिमाइंडर लाइफ है इसकी अब उसमें ये सिर्फ और सिर्फ एग प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो जीन्स का एक्टिवेशन है और इनएक्टिवेशन है या एक्टिविटी ऑफ जीन है वो टोटली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर जीन्स जो हैं वो अलग अलग फेज में एक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिनोटाइप है मीन्स मेल और फीमेल जो अपेरेंस है बॉडी की, तो याद रखना है कि यंग स्टेज के दौरान मेल होगा, और जैसे जैसे वो नेक्स्ट स्टेज मीन्स एडल्ट स्टेज में लाई करेगा तो वहाँ पर वो जीन्स इनहिबिट्स हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट जो एडल्ट स्टेज है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, और एज ए रिजल्ट फीमेल जो फिनोटाइप्स हैं वो शो होने शुरू हो जाएंगे, मीन्स वो एग की फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है डेट इज़ अ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के केस में भी जैसे एग्जांपल के तौर पर हम टर्टल्स ले लेते हैं, तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पर ऑर्गेनिज्म है डेट इज रिप्रेजेंट टर्टल, तो आपको ध्यान रखना है इनके केस में टेम्परेचर एक्ट करता है टू डिटरमाइन सेक्स। अगर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है मीन्स 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के अलोंग है तो उस दौरान यहाँ पर फीमेल ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, और अगर जो उसी एग को हम 23 या 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखते हैं, मीन्स बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर जो रखते हैं या लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो एग मेल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो डेट्स वाई ये रेप्टाइल्स के केस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्टल्स। इसका रिवर्स आपको क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स या सम लिजर्ट्स के केस में देखने को मिलेगा, वहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि वहाँ मेल ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और जो फीमेल जो ऑफ स्प्रिंग है उसका जो फॉर्मेशन है वो लो टेम्परेचर पे होता है। तो डेट्स वाई यहाँ पर रिवर्स फंक्शन है टेम्परेचर का। तो ध्यान रखना है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल एंजॉय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।